कि इतनी अकड़ किस बात की बे, तुमने ऐसी तो कोई बात नहीं कि इतनी अकड़ किस बात। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप भी इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं? तो गाइस, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए गाइस हमें जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है काइंड मास्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास काइंड मास्टर नहीं है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जो है वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, डाउनलोड करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने ऑलरेडी अपना काइंड मास्टर ओपन करा है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस करना क्या है, प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और सिंपली से क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे हमें फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो बनाना है। सेकंड वाला ऑप्शन जो मिल रहा है 9:16, इस पर क्लिक करके इस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे तो सबसे पहले एक मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और सिंपली से एक यहाँ से ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। अब इस ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड का करना क्या है, जैसे बड़ा कर लेना है, जितना बड़ा आप वीडियो एडिटिंग करेंगे उतना बड़ा कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट में आने के बाद करना क्या है, गाइज लेयर पर क्लिक करना है और फिर मीडिया पर क्लिक करना है। और मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जिस फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हैं गाइज, उस फोटो को जो है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से चलिए मैं एक फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट करना होगा। और उसी फ़ोटो का PNG मतलब फ़ोटो एक चाहिए, तो PNG भी उस फोटो का सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए, मैंने इस फोटो पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। अब इस पर क्लिक करेंगे, इसके साइज़ को गाइज कुछ इस तरीके से जो है ऐसे बड़ा करके ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। अब इसे पूरे वीडियो के एंड तक कर लेंगे। एंड तक हो जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, आएंगे यहाँ से कलर फिल्टर वाले ऑप्शन पे, और इसके कलर फिल्टर नीचे आएंगे मोनोक्रोम में, और ये 4 वाला और M04 वाला सिलेक्ट करेंगे। फिर देन यहाँ से यस करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे यहाँ से जाए गाइज अल्फ़ा पे। आने के बाद इसके परसेंटेज को थोड़ा ऐसे लो कर लेना है ना ऐसे। उसके बाद यहाँ से यस कर देंगे। यहाँ तक सिंपली से हो जाने के बाद करना क्या है गाइज, लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है। और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइज इसी पिक्चर को PNG बना लेना है, मतलब इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेना है। अगर आपको PNG बनाना नहीं आता है किसी पिक्चर का, तो मैं आपको दे दूंगा एक वेबसाइट है remove.bg, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जो है पिक्चर को वहाँ से PNG कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं उस पिक्चर PNG पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा। देखिए, मैंने इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज किया। अब इस पर क्लिक करेंगे, इसके साइज़ को ऐसे बड़ा करेंगे ऐसे, और बड़ा करने को देने यहाँ से ऐसे करेंगे छोटा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो ऐसे यहाँ से ला कर यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे ऐसे, है ना। और इस पिक्चर को थोड़ा ऊपर हल्का से ऐसे ले लेंगे। यहाँ तक सिंपली से हो जाने के बाद अब इस पूरे वीडियो के एंड तक ऐसे इस पिक्चर को भी कर लेंगे। यहाँ तक कर लेने के बाद करना क्या है गाइज, लेयर पर क्लिक करना है, फिर मीडिया पर क्लिक करना है। और मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है हमें एक टेम्पलेट वीडियो ऐड करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से जो है इस टेम्पलेट वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस टेम्पलेट वीडियो का ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके है। अब इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से इसके साइज़ के यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे, देन यहाँ से यस करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे, आ जाएंगे नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे। और आने के बाद ये करना क्या है, स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद देन यहाँ से करना क्या है, यस कर देना है। यहाँ तक सिंपली से हो जाने के बाद करेंगे गाइज लेयर पे क्लिक, फिर मीडिया पे क्लिक करेंगे। और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है हमें एक PNG पिक्चर ले लेनी है, जो कि मैंने इसे क्रिएट किया है। आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा इसे, इससे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है, ऐसे छोटा करके यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। अभी इसे पूरे वीडियो के एंड तक कर लेंगे। एंड तक सिंपली से हो जाने के बाद फर्स्ट में आना है और इस पिक्चर को थोड़ा इधर घसका लेंगे और फिर लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर मीडिया पे क्लिक करेंगे। और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक कलरफुल वीडियो ऐड करेंगे। यहाँ से सिंपली से मैं वो कलरफुल वीडियो जो है यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए गाइज ये कुछ इस तरह का कलरफुल वीडियो है। और फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसके साइज़ को यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे, देन यहाँ से यस करेंगे। और एक बार जो है फिर इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे, आ जाएंगे गाइज यहाँ से नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे। और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से करना क्या है, ये स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन हो जाने के बाद बैक आना है और आना है ऊपर एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आना है, और इसके कलर के यहाँ से कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करके देने यहाँ से यस कर देना है। यहाँ तक सिंपली से हो जाने के बाद करना क्या है, यहाँ पर जो है एक लिरिक सॉन्ग वाला स्टेटस वीडियो ले रहे हैं। अब इस टेम्पलेट के सॉन्ग को यहाँ से म्यूट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं अगर वो ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ से मैं लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके जो है उस ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स स्टेटस वीडियो को जो है यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड हो गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसकी साइज़ को गाइज इस तरीके से बड़ा करेंगे और यहाँ पर जो है ला कर ऐसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे।
और फिर इस पर क्लिक करेंगे, आएंगे यहाँ से एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे, और इसके कलर के यहाँ से एडजस्टमेंट करके देन बैक आएंगे। आने के बाद फिर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल से ये स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद देन यहाँ से करना कुछ नहीं, देन यहाँ से यस कर देना। अब यहाँ से गाइज हमारा वीडियो जो है यहाँ पर बन के तैयार हो गया। अब चलिए मैं आपको इसे एक बार प्ले करके गाइज दिखा दे रहा हूँ। इतनी अकड़ किस बात की बे, तुमने ऐसी तो कोई बात नहीं, इतनी अकड़ किस बात की बे, तुमने ऐसी तो कोई बात। अब इसे यहाँ पे सेव करने के लिए सिंपली से करना क्या है गाइज, यहाँ पे शेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है गाइज इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए आप वीडियो क्वालिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप जो रखना चाहते हैं, फुल HD रखना चाहते हैं या HD रखना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। और ये जो है सेकंड वाला जो फ्रेम दिख रहा है इसे ये 30 रहने देंगे। और यहाँ तो हो जाने के बाद करना क्या, आपको नीचे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। इस पर क्लिक करके गाइज वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं सिंपली से यहाँ पे जो है हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।